बसपा में थे उस तरीके थे तब तो बोली नहीं निकलती थी, आज जब भाजपा में आ गए थे तो राम राम रट रहे थे, आज जब बसपा भाजपा से हट गए हार गए मलाई नहीं है। तो ये सब भाड़े के पहलवान है, मुलायम सिंह के समय अखाड़े के पहलवान, ऐसे भाड़े के पहलवान दो चार ठोर रख ले सपा तो साफ हो जाएगी। चक्कर में रहते हैं मुसलमान हट जाएंगे तो क्रिश्चियन हट जाएंगे, बस वो इसी सपा में है इसलिए और निर्णय नहीं ले पाते हैं। अधर्मी लोग हैं, इनका क्या जवाब दिया जा सकता, जनता इसको जवाब दे चुकी है 2024 में दे रही है, इसको जनता खारिज कर रखी हो उनको क्या बात है। ये तो मलाई खाते हैं तो धर्म खाते हैं, जब मलाई नहीं मिलता तो अधर्मी हो जाते हैं। कहते हैं कि लाख समझाने के बाद भी अगर कोई ना समझे तो समझिए वो समझना ही नहीं चाहता। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी आजकल उसी रास्ते चल रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया था कि धार्मिक मामलों पर टीका टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा रोजगार, महंगाई, किसान और आवारा पशुओं जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी का सूपड़ा साफ करना चाहती थी, मगर बीजेपी किसी तरह अखिलेश यादव को धर्म की पिच पर उतारना चाहती है ताकि सपा को 2019 लोकसभा चुनाव की तरह महज कुछ सीटों पर समेट दिया जाए। लेकिन लगता है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को फर्क ही नहीं पड़ता कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या हिदायत देते हैं। महज कुछ दिन पहले लखनऊ में सपा ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा अध्यक्ष से शिकायत की थी और कहा था कि धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर लगाम लगाई जाए ताकि 2024 में इसका खामियाजा भुगतने से पार्टी बच सके। जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बता दिया, जिसके बाद विवाद तेज हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपने आदेश में कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म ही नहीं है, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। हिंदू एक धोखा है, और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा हिंदू धर्म धर्म नहीं है, और अभी एक दो महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर निषाद पार्टी अध्यक्ष और यूपी सरकार के मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जमकर हमला बोला है और कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग मलाई खाने वाले लोग हैं। जब बसपा में थे तो मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, भाजपा में आए तो राम राम करने लगे, और सपा में है तो भगवान पर ही विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य भाड़े के पहलवान हैं, और ऐसे ही दो चार पहलवान और आ जाएं तो सपा खत्म हो जाएगी। जनवरी को राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन है, तमाम पार्टियों को जो है न्योता गया है, कांग्रेस भी अभी समझ नहीं पा रही कांग्रेस की हम आएंगे कि नहीं आएंगे। सीपीआई ने कह दिया है कि हम जाएंगे ही नहीं, सपा ने कहा है कि हमको निमंत्रण ही नहीं कोई भेज रहा है। देखिए, हम गर्व है 22 जनवरी का अपना राम का मंदिर, हम निषादों के लिए और गर्व है कि गुरुकुल में भगवान राम और निषाद राज पढ़ते थे, और आज उनका मंदिर बन रहा उधर निषाद राज के किले पर 20-29 लाख का ऑडिटोरियम बन रहा। तो ये हम लोगों के लिए है कि पर्यटक स्थल घोषित है, ये हर भारतीयों को है, चाहे न्योता मिले चाहे ना, ये न्योता नहीं मिलना एक राजनीति करना है, जाना चाहिए चुपचाप। सभी लोग यहाँ भारत के भारतीय हैं, और भारतीय सभ्यता भारतीय
जो मर्यादापुर सत्यम राम सभी लोगों को रास्ता बताने के लिए आए थे, और सबसे पहला दर्शन भगवान राम के अंदर किसी ने भगवान के रूप में देखा तो निषाद राज ने देखा था। तो आज जो देखे हम लोग, जब से हम आए तो देखो कैसे क्या लगता है कांग्रेस क्यों नहीं जा पा रही, कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही? वो एक्चुअल में चक्कर में रहते हैं, मुसलमान हट जाएंगे तो क्रिश्चियन हट जाएंगे, बस वो इसी उसपा में है, इसलिए और निर्णय नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी में राजशाही है, ऊपर से जो आदेश होता है वही नेता होते हैं। आज के दिन में लोकतंत्र की स्थापना, असली लोकतंत्र माने मोदी जी के और माने नड्डा साहब और भारतीय जनता पार्टी, एक दलित की बेटी को राष्ट्रपति बनाना, एक आदिवासी को, एक दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना, एक उन्होंने यादव को मंत्री बनाना, ये भाजपा में ही संभव है लोग। बाकी इनके पास क्या था? अब इनसे निषाद हट गया, यादव हट गया और दलित हट गया, तो क्यों नहीं अब कांग्रेस जीत जाती है? स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म पर हमला बताया, कहा हिंदू कोई धर्म ही नहीं, जबकि आप पूर्व में भी एक बार उनको नसीहत दे चुके हैं और अखिलेश यादव ने भी उनको कहा था कि अपने उस पर काबू रखें, भावनाओं पर काबू रखें। देखिए अधर्मी लोग हैं, क्या क्या जवाब दिया जा सकता है? जनता इसको जवाब दे चुकी है, 2024 में दे रही है, इसको जनता खारिज कर रखी हो उनको क्या बात है? ये तो मलाई खाते हैं तो धर्म खाते हैं, जब मलाई नहीं मिलता है तो अधर्मी हो जाते हैं। बसपा में थे उस तरीके थे, तब तो गोली नहीं निकलती थी, जब भाजपा में आ गए थे तो राम राम रट रहे थे, जब बसपा भाजपा से हट गए हार गए मलाई नहीं है, तो ये सब भाड़े के पहलवान है। मुलायम सिंह के समय अखाड़े के पहलवान, ऐसे भाड़े के पहलवान दो चार ठोर रख ले सपा तो साफ हो जाएगी। सोनभद्र से विधुशेखर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।